तो ये वोटिंग प्रतिशत हम आपको बता रहे थे, वोटिंग प्रतिशत कैसा क्या रहा है अब तक का, ये शाम तक का आंकड़ा है। हालांकि अभी वोटिंग लगातार जारी है, आधे घंटे का समय बाकी है, लेकिन इस बीच कुछ और जानकारी आपको देना जरूरी है क्योंकि आज धार्मिक सांस्कृतिक लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। आज पांचवा चरण है जिसमें प्रयागराज भी है, जिसमें अयोध्या भी है, जिसमें चित्रकूट भी है, लेकिन समाजवादी पार्टी की चुनौती भी बड़ी है। खोई हुई प्रतिष्ठा को हासिल करना अपने आप में अखिलेश यादव के लिए एक बड़ी चुनौती है, और अगर वो यहाँ से चुनौती को पार कर पाते हैं तो फिर उनके लिए एक वापस शक्ति जैसे मिलना होगा। जनाधार को बढ़ाना है, अपराध वाली छवि को मिटाना है, क्योंकि अखिलेश यादव की राह में एक सबसे बड़ा रोड़ा यही है कि आपराधिक प्रवृत्तियों को संरक्षण देना, ऐसे आरोप लगते रहे हैं, चाहे वो अखिलेश यादव की सरकार हो उनके मुख्यमंत्री काल में या फिर समाजवादी पार्टी की जब जब सरकार रही तब तब ऐसे आरोप लगते रहे। 2017 का प्रदर्शन दोहराना, ये बीजेपी के लिए अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। 2017 में प्रचंड बहुमत बीजेपी को मिला था। आवारा पशु का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है इस चरण में, और इस मुद्दे को बुनाने की कोशिश की गई है विपक्ष के द्वारा। सांड का जिक्र आप लगातार सुन ही रहे होंगे, हालांकि सत्ता पक्ष को भी समझ में आया कि मुद्दा बड़ा है, इस पर काम होने चाहिए। कांग्रेस की चुनौती, अमेठी में वर्चस्व को हासिल करना, जो गढ़ कभी कहा जाता था अमेठी, अब वो गढ़ नहीं बचा है। इसके पीछे कारण है राहुल गांधी भी हार गए थे 2019 के लोकसभा चुनाव में। बीजेपी से एक बड़ा मुकाबला है कांग्रेस के लिए, और इस मुकाबले से कैसे पार पाना है ये अपने आप में चुनौती है। विरासत बचाने की चुनौती है, प्रियंका गांधी के लिए बड़ा इसमें रोल है क्योंकि वो इस पूरे यूपी चुनाव को लीड कर रही हैं। ऐसे में यहाँ पर जो भी परिणाम होंगे वो प्रियंका गांधी की आगे के राजनीतिक करियर में भी एक बड़ी नई दिशा और दशा देंगे। तो ये कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीजेपी की चुनौती हम आपको लगातार बता रहे हैं जो उनके सामने लगातार बनी हुई है, और इन्हीं चुनौतियों से आगे बढ़कर काम करना है। और फिर रुख करते हैं सीधे राम की पैड़ी अयोध्या।